Hello, my dear friends, and welcome to Unacademy's platform. Unacademy वो platform है जो enable करता है students from various backgrounds and various courses to come together and learn from the best of educators. अगर आप eager हो पढ़ने के लिए to learn, then we are eager to teach you all. Unacademy आपके लिए अवेलेबल करके देता है उसके तीन चैनल्स. एक है यूट्यूब चैनल, जहाँ पे रोज आप मिलते हो एजुकेटर्स के साथ और बहुत सारी जानकारी जानते हो, है कि नहीं. फिर है Unacademy के ऐप पे हो रहे हैं स्पेशल क्लासेस. अब ये स्पेशल क्लासेस में टीचर्स एजुकेटर्स लेते हैं आपकी स्पेशल पढ़ाई. बहुत एफर्ट्स डाल के स्पेशल क्लासेस क्रिएट किए जाते हैं आप सब स्टूडेंट्स के लिए, जो अवेलेबल है जस्ट बाय डाउनलोडिंग द Unacademy ऐप. और इससे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है. एंड ऑफ कोर्स जब स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं, हमें कुछ और एक्स्ट्रा भी चाहिए, वी नीड द पर्सनल अटेंशन फ्रॉम द एजुकेटर्स, वी नीड क्विज प्रोग्राम्स, वी नीड रेगुलर टेस्टिंग, हमें बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के नोट्स भी चाहिए फ्रॉम द एजुकेटर्स, सो ऑल दिस इज पॉसिबल बाय Taking Unacademy's Plus subscription, my dear friends. Agar aap serious ho aapke career option ko leke and you want to learn from the best faculties, the best educators, then Unacademy Plus subscription is your best option. So der mat kijiye, jaldi se login kijiye, app ko download kijiye and come be a part of the Unacademy family. So I welcome you all to today's session of recognize the potential within. क्या हम सब में कुछ खास बात है? क्या हम सब में कुछ स्किल सेट है, कुछ टैलेंट है? ज़रूर है. ऐसी क्या बात है? What is it that makes a Sachin Tendulkar the Sachin Tendulkar? ऐसी क्या बात है एक MS Dhoni में which makes him the MS Dhoni? कुछ तो बात है कि नहीं. आज जब हम इन लोगों को देखते हैं, ये हम ये बन चुके हैं हमारे आइडल्स. दीज आर पीपल हुम वी लुक अप टू. व्हाई? बिकॉज दे हैव प्रूव्ड दैट टैलेंट पोटेंशियल अगर रिकग्नाइज होता है और रिकग्नाइज होने के बाद हाउ इट कैन बी यूज्ड टू फुलफिल ड्रीम्स, टू अचीव सक्सेस. लेकिन सबसे पहली बात होती है to recognize this potential within. इन के टीचर्स ने, इनकी फैमिली मेम्बर्स ने उनमें देखी वो टैलेंट जो डीप हिडन थी और उसे निकाल के, उसे अनलीश किया, उन्होंने रिकग्नाइज किया और उसे बढ़ाया है. Isn't it? So उसी तरह we all have skills, we all have talents जो यूनिक है, जैसे हम यूनिक है, जैसे हमारी थंबप्रिंट किसी और के साथ मैच नहीं होती. एवरीबडीज थंबप्रिंट इज अ यूनिक थंबप्रिंट. उसी तरह हम सब में एक यूनिक टैलेंट होता है विच इज़ गोइंग टू हेल्प अस टू अचीव आर गोल्स एंड आर ड्रीम्स. फिर सवाल आता है कि रियली क्या मुझ में है वो टैलेंट? नहीं नहीं, इन सब में होता है. दैट इज़ वाई दे आर एबल टू अचीव सक्सेस. कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनमें है, मुझ में नहीं है. हमें दिखता है उनका ओवरनाइट सक्सेस एंड हम कहते कितने लकी है यार, ये तो इनबॉर्न टैलेंट है, ये तो बर्थ से ही टैलेंट है, मुझ में वो नहीं है क्वालिटी. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब हम कहते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस, हम ये भूल जाते हैं कि उस ओवरनाइट सक्सेस के लिए कितने नाइट्स और कितने डेज की मेहनत लगी है. हम वो नहीं देखते, हम सिर्फ एंड रिजल्ट को देखते हैं एंड देन वी थिंक दे जस्ट गॉट लकी. माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज़ नो लकी गेटिंग लकी ओवर हियर. लकी तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम हो सकते हैं, लेकिन दिस अमाउंट ऑफ मॉन्यूमेंटल सक्सेस इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ लक, इट इज़ अ मैटर ऑफ रिकग्नाइजिंग देयर पोटेंशियल एंड वर्किंग वेरी वेरी हार्ड टू अचीव इट. सो आप पूछेंगे कि मैम मुझ में नहीं है कुछ, आई डोंट हैव इट, और होगा भी तो आई एम नॉट एबल टू रिकग्नाइज इट. वॉट इज़ इट?
What is it which can make me unique? What is it which will help me to achieve my goal, my dream? So my dear friends, I will just like to share a few things with you. क्या ऐसे हुआ है कि बचपन में आपको आपके पेरेंट्स ने या रिलेटिव्स ने या घर के एल्डरली ने या फ्रेंड्स ने ये कहा है, अरे ये बहुत क्यूरियस है, इतने सारे क्वेश्चंस पूछता रहता है या पूछती रहती है, इसके कभी सवाल ही ख़त्म नहीं होते, एक सवाल का आंसर देती हूँ तो दूसरा सवाल स्टार्ट होता है, आंसर भी ठीक से नहीं सुना तो दूसरा तीसरा चौथा सवाल आ गया, इसके क्वेश्चंस इसके सवाल कब ख़त्म होंगे, सुना है? और जब हम ऐसी रिएक्शन पाते हैं ना बाकी सबसे, हमें लगता है अरे यार मेरी ये क्वेश्चन पूछने की आदत जो है ना, ये एक बहुत गलत आदत है, इट इज़ अ बैड हैबिट, आई थिंक आई शुड स्टॉप इट, आई शुड ओवरकम दिस हैबिट। बट माय डियर फ्रेंड्स, अब तक जिस हैबिट को हम नेगेटिवली देख रहे थे, इट कैन बिकम आवर पोटेंशियल इफ़ वी लुक एट इट इन अ पॉजिटिव मैनर। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कभी भी कोई भी डाउट पूछते नहीं, उनको कोई डाउट आता ही नहीं है, जो उनको इन्फॉर्मेशन बताई जाती है या जो इन्फॉर्मेशन वो पढ़ते हैं बुक्स से, दे आर हैप्पी विथ इट, सिर्फ पढ़ लिया बस, एंड दे डोंट हैव अ क्वेश्चन ऑल्सो इन देयर माइंड। प्लीज अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चंस माइंड में कब आते हैं? जब आप उसके बारे में सोचते हो, व्हेन यू वांट टू नो मोर अबाउट इट। नहीं तो अगर आप क्वेश्चन माइंड में आया ही नहीं, हमने उसके बारे में ठीक से पढ़ा नहीं, उसको ठीक से मे बी समझा भी नहीं, या जितना बोला उतने में ही हम सेटिस्फाइड हो गए, सो दीज आर साइंस ऑफ व्हाट, दैट यू आर सेटिस्फाइड विद द मिनिमम। नहीं, ये क्यूरियोसिटी अगर हम में है तो प्लीज़ उसे पॉजिटिव तरीके से आइडेंटिफाई कीजिए और अनलीश कीजिए उसे, सो इवन यू कैन टर्न इट इंटू अ प्लस पॉइंट, यू कैन टर्न इट इंटू योर पोटेंशियल। जब मैं कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू माय स्टडीज, व्हेन आई एम रीडिंग इट, व्हेन आई एम अटेंडिंग एन ऑनलाइन सेशन ऑन अन अकेडमी, व्हेन आई एम लिसनिंग टू द वीडियोस एंड द लेक्चर्स ऑफ माय टीचर्स, सो सुनने के साथ साथ जब मैं इस इंफॉर्मेशन को या पढ़ने के साथ साथ व्हेन आई एम प्रोसेसिंग दिस इंफॉर्मेशन, तो मेरे माइंड में भी तो सवाल आने चाहिए। सवाल तभी आएंगे जब आप गहराई से इस टॉपिक को के बारे में सोचोगे, उसको समझोगे, तभी तो सवाल आएंगे, तभी तो डाउट्स आएंगे, तभी तो क्वेरीज रेज करोगे आप, और जितनी क्वेरीज और क्वेश्चंस आप रेज करोगे उतनी ही नॉलेज आपकी बढ़ती जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब तक जो हमें लग रहा था ना कि ये क्यूरियोसिटी पार्ट जो है मेरा, इतने सारे क्वेश्चंस पूछने की ये मेरी जो आदत है, ये बहुत एक नेगेटिव आदत है, डोंट वरी, टर्न इट इंटू अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, turn it into a positive skill and talent of yours and use it for your betterment, ताकि आप questions पूछोगे, सोचोगे answer के बारे में, और भी अगर mind में questions आएंगे, these questions will help you to gain in-depth knowledge about the topic, okay? दूसरी बात, अगर आपने सुनी है काफ़ी parents से, आपसे या relative से या friend से, कि इतना रेस्टलेस है ये बच्चा, एक जगह भी बैठ नहीं सकता, 5 मिनट तो बहुत हो गए उसके लिए एक जगह बैठने के लिए, हमेशा रेस्टलेस, हाइपर एक्टिव है, पता ही नहीं चलता कि इसके साथ क्या किया जाए, उसको कैसे बिजी अभी रखे, इतना रेस्टलेस है। और उसमें और एक बात क्या पता है, कि अगर कोई काम करने को ले या कुछ उसको समझ में नहीं आएगा ना, तो वो जब तक पता नहीं लगेगा, जब तक पता नहीं चलेगा, ही विल कीप फॉलोइंग इट, ही विल कीप डूइंग इट, इतना रेस्टलेस है वो, बिल्कुल रेस्ट नहीं करेगा जब तक ही इज एबल टू गेट व्हाट ही वांट्स। तो ये क्या है, उसके मन में कीड़ा घुस गया। अभी ऐसा भी सुना होगा आपने, फ्रेंड्स बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, रिलेटिव्स ने बोला आपको कि ना उसके मन में अभी वो कीड़ा चल गया है, अब वो नहीं रुकेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, या जब तक वो कीड़ा बाहर नहीं निकलता ना, ये रुकने वाला है नहीं। अब तक तो हमने उसको नेगेटिव तरीके से लिया, कैन वी नॉट टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर, कैन वी नॉट से कि अगर मैंने मेरी करियर का ये डिसीजन लिया है, सो देन आई विल बी रेस्टलेस, आई विल डू एवरीथिंग विच इज पॉसिबल सो दैट आई विल अचीव ये मेरे करियर का टारगेट। अगर मैंने ये गोल अपना डिसाइड किया है, आई विल नॉट रेस्ट
till I have achieved it. I will be restless. I will not at all rest till I have achieved it. वही जो पहले negative था, can we not recognize that potential and convert it into a positive skill? That we will not rest till we have achieved what we have set out as our career goal. है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है. फिर आपने सुना होगा, आपको लोग कहते हैं बहुत impatient है. बहुत impatient. I'm telling him 5 minutes रुको बाबा, 5 minutes. इतना impatient है. Impatience. इतनी जल्दी में रहता है, बिल्कुल उसको रुकना ही नहीं है. Impatience. अभी तक तो negatively सुना था. Why not convert this impatience into something positive? है ना, हमें ये potential to convert it into positive? बिल्कुल है. अब कैसे कन्वर्ट करें इस impatience को, इस restlessness को, इस curiosity को into something positive? We can do it. We have it in ourselves. We just need to take the proper decision. कि मेरा ये जो impatience है ना, I'm eager, I'm all the time eager. This eagerness, this impatience, get it to your studies as well. Get it to learning new things. I'm impatient to कब Unacademy के app पे special classes start हो जाएगी. I'm impatient. I'm restless. जब तक मैं ये online videos नहीं देखता, I am going to be restless. Absolutely restless I am. I will not wait. I will not stop. जब teachers मुझे मिलते हैं, I am curious. I want to get my doubts solved from them. Why? Because I will not rest till I achieve my goal. I am definitely going to get a merit rank in the course that I am studying. Impatience. Can we not convert it into something very, very positive? Yes, we can. और यही है हमारा aim. अब तक जो भी हमारे ये skills थे, अब तक हमें पता ही नहीं था कि ये स्किल भी है. हमें तो हमेशा लगता था कि ये नेगेटिव बात है, हमें एक नेगेटिव आदत है, हमारी क्यूरियोसिटी, हमारे इतने सारे क्वेश्चंस पूछना. अब तक वी वर लुकिंग एट इट एट समथिंग वेरी वेरी नेगेटिव, एक गलत आदत जो हमें सुधारनी है. मेरी रेस्टलेसनेस मेरी गलत आदत मानी जाती थी, मेरा इम्पेशेंस, आई वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर माई इम्पेशेंस. ठीक है, लेकिन अब यही जो बैड हैबिट्स थी ना, we are going to look at it in a positive manner. We are going to recognize this talent within us and we are going to give it a proper direction. Yahi curiosity I'm going to get in my studies. Yahi restlessness I'm going to get in my studies. Till I achieve my goal, I'm not going to rest. Impatience, eagerness to attend every online session of Unacademies. I will not rest till I have done all the homework which my teachers have given me. Or not sif homework, but I want to do something more, something extra, because jo kuch extraordinary kaam karte hai na, my friends, wahi log extraordinary success paate hai. Ordinary kaam karne se hame to ordinary hi to result milega. बट अगर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो हमें भी तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, है कि नहीं? एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू अग्री विद दिस, इजंट इट? सो हाउ कैन आफ, ठीक है, मैंने ये पॉइंट्स तो रिकग्नाइज कर लिए, अब मुझे कैसे करना चाहिए आगे, अभी कैसे बढ़ना चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीटली यूटिलाइज दीज टैलेंट्स एंड दीज स्किल्स for my betterment and my achievement. क्या करना पड़ेगा मुझे? पहली बात एक है, focus कीजिए. Attention to detail बहुत ज़्यादा important है. अगर continuously हम distractions में घिरे रहे, then how will we be able to focus on what we want? पहले तो focus कीजिए, attention दीजिए कि मुझे क्या चाहिए. पहले तो वो बात है. There are so many students जिनको अभी तक पता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए. हाँ, parents ने ये कहा, relatives ने ये कहा, friends ने ये कहा, लेकिन मैं खुद, what is it that I want to do? What is it that I want to pay my, give my full attention on? What is that one thing which I want to be restless, impatient and curious about? पहले वो चीज जानिए. Once you have got to know that,
कि हाँ ये करियर गोल है मेरा, ये मुझे अचीव करना है, तो फोकस कीजिए अब उसको अचीव करने में। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आने वाली है, लेट मी टेल यू, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है हम सब की लाइफ में, लेकिन उन डिस्ट्रैक्शंस के लिए वी हैव टू बी इम्पेशेंट टुवर्ड्स दोज डिस्ट्रैक्शंस, वी हैव टू बी रेस्टलेस टुवर्ड्स दोज डिस्ट्रैक्शंस। हमें उनके लिए बिल्कुल क्यूरियस नहीं होना है, उनको तो हमें कंट्रोल करना चाहिए। अब आप कहोगे कि मैम लेकिन मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, करता हूँ कि मैं जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मेरा फोकस वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद अटेंशन स्पैन कम हो गया। अटेंशन स्पैन कम हो गया क्यों? बिकॉज अलग अलग थॉट्स अभी आने लगे हैं। अंडरस्टैंड द माइंड इज लाइक अ मंकी, वो कूदता रहता है इस थॉट से लेके उस थॉट तक, बहुत 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 चंचल है हमारा मन, बिकॉज थॉट्स जो है ना आते जाते रहते हैं। लेकिन थॉट्स किसके हैं? हमारे ही तो है। माइंड किसकी है? हमारी तो है। सोच किसकी है? हमारी तो है। तो हमारे थॉट्स, हमारी माइंड, हमारी सोच, इसका कंट्रोल किसके पास है? किसी और के पास है या मेरे पास है? मेरी थॉट्स, मेरी माइंड, मेरा फोकस मेरे कंट्रोल में है कि मेरे फोन के कंट्रोल में है, किसी और के कंट्रोल में है? मेरे खुद के कंट्रोल में है कि नहीं? सो जब लगेगा कि नहीं मेरा अटेंशन डाइवर्ट हो रहा है, आई एम मूविंग अवे, मेरा फोकस जा रहा है, पता चला ना कि फोकस शिफ्ट हो रहा है, डिविएट हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, इमीडिएटली स्टॉप योर सेल्फ एंड गेट योर फोकस बैक। डोंट फर्गेट, हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी इम्पेशेंस और हमारी रेस्टलेसनेस जो पोटेंशियल है ना हमें, हम उसे अभी पॉजिटिव तरीके से यूज कर रहे हैं। सो जब भी पता चला कि नहीं मुझे अभी एक मैसेज देखना है, मुझे अपने फ्रेंड को कॉल अप करना है, कंट्रोल योर सेल्फ एंड गेट द कंट्रोल बैक ऑफ योर थॉट्स टू योर सेल्फ, ऑफ योर अटेंशन टू योर सेल्फ। सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी एटीट्यूड। अब तक बहुत लोगों ने आपको कहा होगा अरे यू नो बिकॉज ये जो तुम्हारी क्वालिटीज है ना, इम्पेशेंस, क्यूरियोसिटी, अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछना, रेस्टलेसनेस, इन क्वालिटीज की वजह से ना, ये इतनी बैड क्वालिटीज है ना तुम में, तुम कभी भी यू विल नॉट बी एबल टू बी स्टेबल, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव। ये जो काम है ना इसके लिए बहुत पेशेंस लगता है, तुम में वो बात है ही नहीं। किसने कहा? किसी टीचर ने मे बी बचपन में कहा, किसी रिलेटिव ने मे बी बचपन में कहा। तो क्या किया हमने? वही हमारी बिलीफ बना दी। व्हाट दे टोल्ड अस, तुम ये नहीं कर सकते, अरे तुम बोल ही नहीं पाते किसी से कुछ भी, तुम्हें ना ये क्रिकेट विकेट, ये खेल कूदना तुम मत ही करो, तुम्हें आता ही नहीं है। ये किसने कहा हमसे? किसी ने बचपन में हमसे कुछ ये बात कही थी और हमने क्या किया, उनकी बात को इतना सीरियसली ले लिया है कि नाउ दैट हैज बिकम अ बिलीफ। वी बिलीव दैट वी कैन नॉट डू दिस, वी बिलीव दैट वी आर गुड ओनली एट दिस पर्टिकुलर थिंग। कभी खुद से पूछा? कभी खुद से पूछा ये सवाल, रियली रियली एम आई दैट बैड और एम आई रियली नॉट दैट गुड, और या कभी भी मैं इम्प्रूव नहीं कर सकता, कर सकती? क्या हम अपनी एटीट्यूड, हमारे विद इन क्वालिटीज जो है उसको लेके क्या हम ये एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकते? और डू वी हैव टू कीप बिलीविंग जो लोग हमारे बारे में कहते हैं? वाई आर यू गिविंग अप योर कंट्रोल टू समबडी एल्स? नो वन has that control over you. You have given that control to somebody else. Kyun? You are in control of your own life. You have to have the right attitude and the right belief that yes, ye meri life hai, this is what I have decided and this is how I am going to achieve it. There may be people who may have said very good things also about you. Very, very good things. अगर अच्छी बातें कही हैं तो वो याद रखिए
और उसको डेवलप कीजिए. जो भी नेगेटिव अब तक सुना है, बताया गया है आपको, उसको एंड कर दीजिए. नहीं बस अब तक सुना, अब तक बिलीव किया, अब बस हो चुका है. और नहीं, मेरी लाइफ मेरी है. आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई ओन लाइफ. आई हैव रिकग्नाइज दिस पोटेंशियल इन मी. इसे मुझे अभी क्या करना है, डेवलप करना है इस पोटेंशियल को मेरी बेनिफिट के लिए, है कि नहीं. सो द राइट एटीट्यूड दैट यस आई कैन डू इट. आप कहोगे कि ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, ये कोर्स बहुत डिफिकल्ट है. कोर्स या एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स. हमारी एटीट्यूड ऑफ लुकिंग टूवर्ड्स इट मेक्स इट इजी और मेक्स इट डिफिकल्ट, है कि नहीं. गहराई से सोचो इस बात को. ऐसी कहावत है, द वर्ल्ड इज नॉट एज इट इज, द वर्ल्ड इज ऑलवेज एज वी लुक एट इट. इट इज वी, द वे वी इंटरप्रिट थिंग्स दैट वी गिव अ मीनिंग टू द थिंग्स. कोई भी सिचुएशन गुड और बैड नहीं होती, सिचुएशन तो न्यूट्रल होती है. अब हम किस नजरिए से उसे देखते हैं, दैट विल डिसाइड वेदर इट इज गुड और बैड फॉर अस, इजंट इट. So, for next thing we need to do is, we need to change our belief, we need to change our attitude from no to yes, from impossible to possible. Capability. Kabhi suna hoga kisi ne kaha hoga, you know, you are where you have the capability. Capability mein hai two words, in fact, capable or ability. Are you capable? Do you have the ability to do it? Yes, you have the capability. You are capable also and you have the ability also. Haan, hamare thode weaknesses zarur hai. Sab mein hote hai. Nobody is perfect. So, meri bhi toh koi weakness hogi. Usi tarah aapki bhi toh koi weakness hogi. Definitely. Nobody is perfect. What we need to do is, us weakness ko highlight nahi karna hai. उसके सल्यूशन को हाईलाइट करना है. आज के सेशन, ये सेशन सुनने के बाद आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू वन थिंग. सोचिए कि क्या है मेरी वीकनेस रिलेटेड टू माई स्टडीज. वॉट डू आई थिंक इज माई वीकनेस? आई के नॉट रिमेंबर इट, आई के नॉट राइट प्रॉपरली, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है. क्या है मेरा वीकनेस? और ये जो वीकनेस है ना, बहुत छोटा लिखना है आपको. बैड हैंड राइटिंग, लैक ऑफ फोकस, ये बहुत छोटा लिखना है. और उसके सामने ही आपको क्या इसका सल्यूशन लगता है, वो बहुत बड़ा लिखना है. एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, जो भी लगता है ना आपको, हाँ ये मेरा वीकनेस है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, आई कैनॉट कॉन्सेंट्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम है, लिखिए. लेकिन बहुत छोटा लिखिए, टाइनी लिखिए उसको. एंड आपको क्या लगता है इसका सल्यूशन क्या है, उस सल्यूशन को हाईलाइट कीजिए. बहुत बड़ा लिखिए उसके सामने सल्यूशन को. एंड फोकस ऑन द सल्यूशन, डोंट फोकस ऑन दैट टाइनी लिटिल प्रॉब्लम. वो टाइनी है, बहुत छोटा है. अगर आप उसको उस तरीके से देखोगे ना, छोटा सा प्रॉब्लम है. सल्यूशन कितना अच्छा है, बढ़िया, बड़ा सल्यूशन है. आप किसके ऊपर फोकस कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट. इफ यू आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट स्मॉल टाइनी प्रॉब्लम, और आई गोइंग टू फोकस ऑन द बिग थिंग, द सल्यूशन टू इट, दिस इज व्हाट आई गोइंग टू फोकस ऑन. बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, व्हाटएवर वी फोकस ऑन इंक्रीजेस. इफ यू आर गोइंग टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स, इफ यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर वीकनेसेस, दे आर गोइंग टू इंक्रीज. बिकॉज हम ही ने तो उन्हें बड़ा किया है. छोटे से वीकनेस को बड़ा एनलार्ज करके देख रहे हैं, वैसा ही होगा वो एनलार्ज्ड. वीकनेस को छोटा करेंगे, उसके ऊपर कम फोकस करेंगे, सल्यूशन या रेमेडी के ऊपर बड़ा सा फोकस कर देंगे, डेफिनेटली वी विल बी एबल टू अचीव आवर गोल. ओके, एंड ऑफ कोर्स वी हैव आइडेंटिफाइड आवर बिलीफ, आवर एटीट्यूड. वी हैव डिसाइडेड कि बहुत फोकस के साथ मुझे अभी ये काम करना है. फिर आती है तीसरी चीज, कंसिस्टेंसी. आई मस्ट बी कंसिस्टेंट. आपने सुना होगा 1 जनवरी को बहुत सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस करते हैं, करेक्ट. एक जिम में जाना, डाइट करना, पढ़ाई करना, जल्दी उठना, हेल्दी खाना खाना, बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं 1 जनवरी को हमेशा. और एक दो हफ्ते बाद
how many of the people are still continuing with their New Year resolutions? लेकिन एक हफ्ते के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ वो तो 1 जनवरी के लिए था, न्यू ईयर के लिए था, अब तो एक हफ्ता हो चुका है, अब रूटीन में आ जाएंगे. होता है कि नहीं? ऐसा नहीं करना है. क्यों? बिकॉज कंसिस्टेंटली अगर हम कोई भी चीज़ को परस्यू करेंगे देन माई डियर फ्रेंड्स यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अचीव इट. कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंटली पढ़ाई कीजिए. अगर डिसाइड किया है इतने घंटे मुझे पढ़ाई करनी है, इतने घंटे के अनअकैडमी के ऊपर लेक्चर्स देखने हैं और इतने घंटे की सेल्फ स्टडी मुझे करनी है, तो कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट इन योर डिसीजन. कुछ भी हो जाए, इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, देर कैन बी वेज एंड मीन्स ऑफ डूइंग इट. कवर अप कीजिए. अचानक कुछ हो गया, ठीक है, कवर अप कीजिए. ऐसे नहीं कि हाँ मैंने अभी तो ये प्लान किया था बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कम्प्लीट इट, सो जस्ट लेट इट बी. नाउ छोड़ दो, मैंने प्लान तो की थी 1 घंटे की पढ़ाई, लेकिन क्या हुआ, मेहमान आ गए जिसकी वजह से आई कुड नॉट कम्प्लीट इट. रह गया अभी वो, रह गया नहीं, रह गया उसको भी कवर अप करना है. कंसिस्टेंसी, बी कंसिस्टेंट. ओके, सो दीज 3 things बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमारा फोकस कहाँ पे है, whatever we focus on is going to increase. अगर हम हमारे पास इतना टाइम है ये सब करने के लिए फोकस करेंगे तो मेक श्योर दैट यू गिव दैट अमाउंट ऑफ टाइम एंड यू वोंट बिलीव इट. अगर देर आर मेनी पीपल हु कीप सेइंग आई एम वेरी बिजी, दे आर बिजी बीइंग बिजी. अंडरस्टैंड दैट कंटिन्यूसली किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? बिजी 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 बिजी, नो टाइम नो टाइम नो टाइम. उनकी वोकैबुलरी भी देखिए आप, बिजी बिजी बिजी, नो टाइम नो टाइम नो टाइम. उनके पास कभी भी टाइम नहीं होगा. हाँ आई नो आप सब स्टूडेंट्स हो, आप सब स्टूडेंट्स बहुत पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन हाउ यू नीड टू लुक एट इट, आई हैव एम्पल टाइम टू डू ऑल द स्टडीज दैट आई हैव प्लान्ड. फिर फोकस कीजिए उस टाइम पे जो आपके पास अवेलेबल है टू डू दीज स्टडीज. एटीट्यूड, मेरी एटीट्यूड विनिंग एटीट्यूड ही रहनी चाहिए. कोई मुझे मोटिवेट करे ना करे, मुझे खुद को मोटिवेट करना है. दिस हैज टू बी माय एटीट्यूड एंड वंस आई हैव डिसाइडेड दैट आई मस्ट कीप ऑन द ट्रैक कम व्हाट मे. व्हाई? बिकॉज आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माय ओन लाइफ. मेरी लाइफ की कंट्रोल, मेरे थॉट्स की कंट्रोल और किसी के पास नहीं, मेरे खुद के पास है हमेशा और हमेशा रहेगी, मेरे ही पास, मेरे ही कंट्रोल में. सो माई डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड कीजिए क्या है वो पोटेंशियल मुझ में विच इज गोइंग टू हेल्प मी टू अचीव माई गोल. सम ऑफ यू मे से कि मैम मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है. ऑलवेज फ्रॉम द बिगिनिंग माई टीचर्स हैव ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई हैंड राइटिंग. वेरी गुड, ये आपकी प्लस पॉइंट बन चुकी है. यूज योर हैंड राइटिंग टू गेट गुड मार्क्स, प्रोवाइडेड वो जो आप लिख रहे हो वो रिलेटेड टू कॉन्टेक्स्ट भी तो होना चाहिए, है कि नहीं? यूज इट, यू हैव एन एडवांटेज बिकॉज देर आर मेनी पीपल जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती. सो ये आपका प्लस पॉइंट बन चुका है, उसे और डेवलप कीजिए. आप कहोगे कि मैम मेरी ये खासियत है कि एक बार मैं अगर किसी चीज को पढ़ लेती हूं या लेता हूं ना, वन टाइम आई रीड द पेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, मुझे बहुत अच्छी तरह याद रहता है. वेरी गुड, दैट इज योर टैलेंट, दैट इज अ स्किल सेट ऑफ यू जो बाकी सब में नहीं है, आपके हैं, उसे और अच्छी तरह यूटिलाइज कीजिए. मेक इट वर्क फॉर योर एडवांटेज, नॉट फॉर योर डिसएडवांटेज. कोई और कहेगा कि मैम मेरी ये खासियत है कि आई कैन स्टे अवेक फॉर अ लॉन्ग टाइम एट नाइट, आई मे नॉट बी एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग. हाँ ये मेरी वीकनेस है, आई कैन नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग. जैसे अलार्म बजता है यू नो आई स्विच इट ऑफ, स्नूज बटन एंड आई गो ऑफ टू स्लीप. ये मेरी वीकनेस है मैम. वीकनेस है ये, तो फिर स्ट्रेंथ क्या है? आई कैन स्टे अवेक एट नाइट एंड स्टडी. ठीक है ना, बन गई ना स्ट्रेंथ. वीकनेस के ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान दो ना. ठीक है, रात भर भर जाग के तुम पढ़ाई कर सकते हो ना, वो टर्न इट इनटू योर स्ट्रेंथ ना. देन डोंट फोकस ऑन दैट वीकनेस दैट आई कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. जो आपको कंफर्टेबल लगता है पढ़ने का टाइम, लेकिन टाइम बनाइए उसके लिए एंड बी कंसिस्टेंट ऑन इट. वन ऑफ यू मे से कि मैम मैं, मेरी ये खासियत है कि इफ आई सिट डूइंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आई कैन सिट फॉर 2 to 3 आवर्स देन डूइंग इट.
फिर में क्या होता है, दूसरे सब्जेक्ट्स इग्नोर हो जाते हैं. ना व्हाई यू फोकसिंग ऑन दैट, दूसरे सब्जेक्ट इग्नोर हो रहे हैं, ये है बन गई ना आपकी खासियत कि एक सब्जेक्ट लिया, उसको इतनी गहराई तक पढ़ा, यू गॉट सो इन्वॉल्व इन दैट सब्जेक्ट दैट पता ही नहीं चला कि 2-3 घंटे निकल चुके. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज ये रिकग्नाइज कीजिए, ना कि वो सब्जेक्ट, लेकिन ये खासियत मुझ में है कि इफ आई सिट डाउन टू दिस डू अ पर्टिकुलर स्टडी, आई एम कंप्लीटली फोकस्ड ऑन इट. अब वही फोकस और वही एटीट्यूड और वही बिलीव अभी दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी यूज करिए. सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान न देके क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, दैट यस आई कैन सिट एंड कॉन्सेंट्रेट फॉर 2-3 आवर्स एट अ स्ट्रेच. नाउ दूसरा सब्जेक्ट लाइए, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू दैट एज वेल. वाई? बिकॉज नाउ यू आर फोकसिंग ऑन द क्वालिटी. ये जो आप में क्वालिटी है, ये जो स्किल है आप में, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इजंट इट? वन ऑफ यू में से कि मैम मेरी एक वीकनेस है. क्या? कि मैं जब पढ़ाई कर रही हूँ ना, आई हैव टू लर्न थिंग्स, नहीं तो सिर्फ पढ़ने से मुझे ध्यान नहीं रहता. वॉट आई नीड टू डू इज आई नीड टू कीप रीडिंग, आई कीप टू कीप लर्निंग द थिंग्स. और मुझे ना जोर से बोलने की आदत है, मैं माइंड में नहीं बोल सकती, माइंड में रिमेंबर नहीं कर सकती, तो ये तो मेरी वीकनेस है. किसने कहा ये आपकी वीकनेस है? ये है पोटेंशियल आप में, कि आप क्या कर रहे हो, बार बार उसको पढ़ रहे हो. सो आप रीइन्फोर्स करते जा रहे हो अपने माइंड में वही टॉपिक, यू आर गोइंग टू बी एबल टू रिमेंबर इट मच मोर. लेकिन अब तक हमने क्या कहा, किया उसको वीकनेस की तरह ट्रीट किया. डोंट ट्रीट इट एज अ वीकनेस, ट्रीट इट एज योर स्ट्रेंथ. प्लीज अंडरस्टैंड, हम सब में बहुत पोटेंशियल है. यू ऑल हैव अ लॉट मेनी स्किल्स इन यू. सिर्फ आधा घंटा दीजिए खुद को, बैठिए शांत, नोटबुक लीजिए, पेंसिल लीजिए, एंड जस्ट नोट डाउन कि हाँ ये मुझ में क्वालिटी है. जस्ट लुक विद इन यू कि ये मुझ में क्वालिटी है. यू विल बी अमेज्ड एट द अमाउंट ऑफ क्वालिटीज जो आप लिखोगे. ज़रूर ये कीजिए एंड मुझे फीडबैक दीजिए कि कितनी सारी क्वालिटीज आपने लिखी जो अब तक कहीं तो भी छुपी थी, पता था, लेकिन उसे लफ्जों में एक्सप्रेस नहीं किया था अब तक, इसीलिए इसको इग्नोर करते रहे. अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. जो हमारे स्ट्रेंथ्स है, प्लीज रिकग्नाइज योर स्ट्रेंथ्स. जो मेरे स्किल है, जो मेरा टैलेंट है, उसे रिकग्नाइज कीजिए और उसे डेवलप कीजिए फर्दर. यू विल बी एबल टू वर्क मिरेकल्स, बिलीव मी, मिरेकल्स कैन बी वर्कड आउट. एंड टू कंक्लूड अदर सेशन, लेट मी जस्ट टेल यू, एक बहुत ही फेमस स्टोरी है एक छोटे से एलिफेंट की. छोटा सा एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट है, और उसे हमेशा चेन से बांधा रखा जाता था. मैंने वो छोटा था, क्यूरियस था, जब वो चाहता था कि यू नो लेट मी मूव अवे, मुझे यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, ये देखना है, वो देखना है, आई वॉन्ट टू बी फ्री. तब क्या, जब भी वो कोशिश करता था जाने की, चलने की, वो भूल जाता था कि उसका पैर बंधा हुआ है. ही इज टाइड विद द आयरन मेटल रोप्स या चेन्स, विच वर वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू ब्रेक. सो उसके माइंड में पहले तो वो बहुत कोशिश करता था, लेकिन फिर उसके माइंड ने गिव अप कर दिया कि नहीं, मेरे पैर तो बंधे हुए हैं, आई एम नॉट फ्री, आई कैन नॉट गो आउट, आई कैन नॉट एक्सप्लोर. सो उसने क्या किया, धीरे धीरे उसकी माइंड कंडीशन होती गई दैट आई एम टाइड, आई एम लिमिटेड, आई एम नॉट फ्री. अब ये एलिफेंट बड़ा भी होता गया. अब जब वो बड़ा हो गया, अ फुल ग्रोन एलिफेंट, आपको पता है फुल ग्रोन एलिफेंट की कितनी स्ट्रेंथ होती है. इट इज़ अ स्टिल टाइड टू दैट मेटल रोप, लेकिन अभी उसकी कंडीशनिंग की वजह से, उसकी माइंडसेट की वजह से, उसे अभी भी लगता है कि ये जो बांधा है ना उसको उस मेटल चेन से, वो चेन बहुत स्ट्रांग है, एंड आई एम वीक, आई एम लिमिटेड, आई एम टाइड डाउन, आई एम नॉट फ्री. ये वो भूल चुका है कि ही इज नाउ स्ट्रॉन्गर देन दैट चेन. ही हैज द स्ट्रेंथ to break that chain and be free again. बहुत बार ना हम सब ने हमारे स्किल्स को, हमारी पोटेंशियल को इस चेन से बांधा हुआ है. दीज चेन्स मे नॉट बी आर ओन चेन्स, सम ऑफ द चेन्स मे हैव बीन पुट ऑन अस बाय द पीपल अराउंड अस. ओके,
not deliberately, but unintentionally also. And some of these chains we have tied around ourselves. But now we need to recognize that we are strong enough to break open these chains. We can go beyond these chains. अभी कोई भी चेन मुझे टाई डाउन नहीं कर सकती, मेरे पोटेंशियल को छुपा नहीं कर नहीं रख सकती. आई हैव रिकग्नाइज्ड दैट आई नीड टू रिकग्नाइज माय पोटेंशियल, रिकग्नाइज इट, अनलीश इट एंड डेवलप इट, ब्रेक फ्री फ्रॉम ऑल दीज मेंटल चेन्स. कोई फिजिकल चेन नहीं है, ये सारी है हमारी मेंटल चेन्स. अभी इन मेंटल चेन्स को हमें ब्रेक करना है. We need to move out of this. We need to change our mindset. We need to recognize this potential within, and we need to get our wings back in order to fly and reach new heights. My dear students, what a pleasure it has been to interact with you, to share these wonderful thoughts with you. And An Academy is doing all this for you, our dear students, because each and every one of you is a very, very special student to An Academy. Aur isiliye An Academy ki hamesha koshish rehti hai to give you something more, something extra, because you are an extraordinary person. Just believe in yourself. Believe in An Academy. Please join us in all our YouTube sessions. Please join us in our special classes, and please do meet us personally on our An Academy Plus subscription, where we meet the students very, very religiously, very, very with a lot of attention and focus we teach. So please be a part of the An Academy family, and thank you very, very much for your valuable time and listening so patiently. Thank you so much. All of you. Thank you.